सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं वर्तमान भारतीय समाज जो कि आपका फर्स्ट पेपर होता है। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मैराथन क्लास है, जी हाँ दोस्तों, इसकी जो मैराथन क्लास है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक ले सकते हो, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो साथियों। ठीक है ना, उस वीडियो को आप लिंक के माध्यम से वॉच कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त वो क्लास, लगभग एक घंटे के ऊपर की क्लास है। ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए मैराथन क्लास। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों 15 नंबर आपको दे के जाते हैं मात्र बहुविकल्पी आपके प्रश्न। ठीक है, तो 15 के 15 क्वेश्चन जो आपके हैं वो छूटने नहीं चाहिए। इस वजह से आप लोग ये जो तीन सब्जेक्ट आपकी होती है 50-50 नंबर की, जी हाँ साथियों, 50-50 नंबर की जो आपकी तीन सब्जेक्ट होती हैं, सामाजिक विज्ञान, वर्तमान भारतीय और प्रारंभिक शिक्षक के नवीन प्रयास, इनमें इनके सब के मैंने मैराथन क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आप लोग देख सकते हो, सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें आपको 15 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, तो वो 15 नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जो आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो बहुत से साथी भाई यहाँ पर चारों क्वेश्चनों का आंसर दे दिए, लेकिन अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। यह कथन दोस्तों किसका है, 2016 में पूछा भी गया है। तो यह कथन जॉन लॉक का है, जॉन डीवी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का या महात्मा गांधी का है? तो फटाफट से भाई बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बता दो भाई। तो भाई यहाँ पर जितने भी साथी हमारे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, जी हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भाई हमारे जितने भी साथी, वेरी गुड। देखिए कुछ साथी हमारे जो है वो आंसर थोड़ा सा गलत दे रहे हैं, लेकिन गलत नहीं देना है बिल्कुल भी उन सभी साथियों को। ठीक है ना, बिल्कुल भी गलत नहीं देना है। तो भाई यहाँ पर हमारे जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 7, ठीक है ना, जॉन डीवी, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर हो जाएगा कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जो शिक्षा शब्द है वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे 2016-17 दोनों ईयर के हम लोग देख लेंगे बहुविकल्पी क्या पूछे गए थे। तो यहाँ सभी आप किनारे पे देख सकते हो, यहाँ पर 2016 में पूछा गया है, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो भी 2016 में पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई 72 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, दोस्तों सभी साथी बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना साथियों, 72 नंबर का फटाफट से बता दो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई 72 नंबर के जितने भी साथी हमारे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर दा, यानी अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल साथियों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा जो बनता है दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, जी हाँ साथियों, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं दूरवर्ती शिक्षा को, फटाफट से बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन भी साथियों को पता है भाई फटाफट से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर दा, क्या दे रहे हैं, उपरोक्त सभी, यानी दूरवर्ती शिक्षा पत्राचार शिक्षा भी होती है, स्वतंत्र अध्ययन भी होता है, दूर शिक्षा उपरोक्त सभी के साइड पर चला जाएगा। ठीक है ना, उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये आप सभी का। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जी हाँ अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, दिया गया हमारा यहाँ पर ये प्रश्न है कि 74 नंबर, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु हैं, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। तो जिन भी साथियों को पता है वे फटाफट से बता दो, 2016 में पूछा भी गया है। ठीक है ना, कब पूछा गया है, एक मिनट, 2000 का पूछा गया है साथियों। तो ये क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा भी गया है, तो फटाफट से बता दो भाई 74 नंबर का क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड।
तो भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, भाई जितने भी साथी हमारे 74 नंबर का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए अध्यापक बालक और पाठ्यक्रम तीन केंद्र बिंदु होते हैं। अगला 75 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि शिक्षक को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षक को रोचक, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान या शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या लेखन की कला। तो जल्दी से बता दो भाई 75 नंबर का क्या हो जाएगा। तो जितने भी साथी भाई 75 नंबर का आंसर दे रहे हैं, भाई जितने भी साथी हमारे 75 नंबर का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सा, ऑप्शन नंबर सा विज्ञान, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है। 2016 में पूछा भी गया है, तो किसका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जॉन डीवी आपका है, फ्रोबेल है, देन आपका रूसो है, मॉन्टेसरी है। तो फटाफट से भाई बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी 76 का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सा के सेट फ्रोबेल, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी के लिए क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी, कब आई थी, 1909 में, 1929 में, 1919 में, 1939 में। तो भाई जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी जल्दी से बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2016 में जबकि पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 77 नंबर का भाई जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर दा, जी हाँ ऑप्शन नंबर दा जितने भी साथी दे रहे हैं, 1939, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, शिक्षकों का, समाज का, राष्ट्र का। 2016 में पूछा भी गया है 78 नंबर भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे जा रहे हैं भाई, जितने भी साथी हमारे 78 नंबर का जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर स के साइड किस पे, शिक्षकों का, ठीक है ना, शिक्षकों का, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दोस्तों बनता है वो बनता ये है, क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है, 2016 में पूछा भी गया है, क्या है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, शासकीय उदासीनता या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या उपरोक्त तो सभी। तो 79 नंबर का क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई बता दो, फटाफट से बता दो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जितने भी साथी हमारे भाई आंसर दे रहे हैं, भाई हमारे जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं, 79 नंबर का ऑप्शन नंबर दा के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं, उपरोक्त तो सभी, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो भी 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। 2016 में पूछा गया, 80 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, 2016 में पूछा भी गया है। छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकाने से बचाने की हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु। तो भाई जल्दी से बता दो भाई 80 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, 80 नंबर का क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो भाई क्या हो जाएगा 80 नंबर का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो भाई जितने भी साथी हमारे 80 नंबर का आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे 80 नंबर का दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर दा के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हैं, तो ऑप्शन नंबर दा के साइड चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। अगला हो जाएगा 81 नंबर की, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, 2016 में पूछा भी गया है। जीवन व्यवहार की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, उपर्युक्त सभी। तो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दो भाई सभी साथी। तो यहाँ पर भाई 81 नंबर का जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर उपर्युक्त सभी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर दा के साथ, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न फटाफट से देख लेते हैं। दिया गया है कि वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, 2016 में पूछा भी गया है। प्रकृतिवाद, समाजवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद। तो जल्दी से बता दो भाई सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से जुड़ जाओ और बता दो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, बहुत अच्छे भाई,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी साथी हमारे 82 नंबर का, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बा दे रहे हैं, आदर्शवाद उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर हो जाएगा कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। तो जल्दी से बता दो भाई, यहाँ से आपके शुरू होते 2017 में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना। 2017 आप देख भी सकते हो, 2017 में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि 83 नंबर दिया गया है कि शिक्षण विधि में हो जाएगा, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालकों में। 83 नंबर का भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर वा उद्देश्य में, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर कि राम मूर्त समिति 1990 क्यों गठित हुई। जो राम मूर्त समिति 1990 थी वो क्यों गठित हुई थी। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो 84 नंबर का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। 84 नंबर, जी हाँ साथियों, 84 नंबर का हमारे जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं, 84 नंबर का ऑप्शन नंबर सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर हो जाएगा कि राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना साथियों, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए है ये। तो 85 नंबर के बाद जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं, 85 नंबर का ऑप्शन नंबर ए के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उच्च शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। जो वुड का आज्ञा पत्र था वो कब प्रकाशित हुआ था, 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, या 7 मार्च 1835 को। जिन भी साथियों को इसका आंसर पता है भाई, बहुत बार ये आपको बताया भी जा चुका, जिन भी साथियों को ये पता है, जिन भी साथियों को ये पता है राइट आंसर, वो भाई सभी साथी इसका राइट आंसर बता देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला, हालांकि जितने भी साथी लगभग साथी जो दे रहे हैं आंसर वो सही ही दे रहे हैं, लेकिन जो इस वीडियो को वॉच करेंगे बाद में, तो वो इस वीडियो का जो आंसर देंगे वो कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला हो जाएगा, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, या फ्रांसिस ने। तो जल्दी से बता दो भाई फटाफट से, जिन भी साथियों को राइट आंसर पता, हालांकि ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा भी गया, ठीक है ना, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है साथियों, ठीक है ना। जल्दी से बता दो फटाफट से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, ठीक है, जल्दी से बता दो भाई फटाफट से। जी हाँ बहुत अच्छे भाई, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 87 नंबर का, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 87 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा के साइड चला जाएगा। कौन, किसने दिया था, मैकाले ने, ठीक है ना, किसने दिया था, मैकाले ने, ऑप्शन नंबर बा। अगला हमारा 88 नंबर हो जाएगा कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1835 में, 1831 में, 1833 में, या 1854 में। 2017 में पूछा गया है, वेरी वेरी जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गर्दा काट दिया आप लोग भाई, गर्दा, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी 88 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1835 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, जो वैदिक शिक्षा था उसका जो प्रमुख संस्कार था वो कौन सा था, उपनयन संस्कार था, उपसंपदा संस्कार था, बिस्मिल्लाह संस्कार था, या प्रवज्ञा संस्कार था। तो जल्दी से बता दो, वैदिक कालीन जो शिक्षा था वो, उसका जो प्रमुख संस्कार था, यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा लेने के लिए जाते थे, जो उनका पहले संस्कार कराया जाता था, वो उनका कौन सा संस्कार कराया जाता था भाई। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई। तो भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 89 नंबर का ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं, किसका, उपनयन संस्कार, ठीक है ना, उपनयन संस्कार जो है वो कराया जाता था साथियों, ठीक है ना, उपनयन संस्कार कराया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 90 नंबर की। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, युवावस्था से। 2017 में पूछा भी गया, ठीक है ना, 2017 में पूछा भी गया। तो जल्दी से बता दो भाई फटाफट से, फटाफट अंदाज में बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो भाई जितने भी साथी हमारे 90 नंबर का आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी 90 आंसर का दे रहे हैं बाल्यावस्था से, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन है 2017 में पूछा भी गया है, किसका है? स्वामी विवेकानंद का है, अरस्तु का है, स्वामी दयानंद का है, राजा राम मोहन राय का है? तो भाई फटाफट अंदाज में बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो भाई सभी साथी, भाई सभी साथी जल्दी से बता देना, और सभी साथी भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है ना? सभी साथी भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट अंदाज में, सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है ना सभी साथी भाई। चलिए देख लेते हैं 91 नंबर का हमारा, जितने हमारे जितने भी साथी 91 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा के साइड, जितने भी साथी जा रहे हैं अरस्तु का, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर हो जाएगा कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, 2017 में पूछा भी गया है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, जी हाँ साथियों, शारीरिक विकास है, सर्वांगीण विकास है, मानसिक विकास है, सामवेगिक विकास है? तो फटाफट अंदाज में बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 92 नंबर का भाई जितने भी साथी दे रहे हैं भाई, 92 नंबर का जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा के साइड, जितने भी साथी जा रहे हैं सर्वांगीण विकास, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सर्वांगीण विकास उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर यहाँ पर बनता है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यह कथन किसका है? 2017 में पूछा भी गया है, रूसो का है, एडम्स का है, नन का है, टीपी नन जिसे कहते हैं, या अरस्तु का है? तो जल्दी से फटाफट अंदाज में बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। जी हाँ भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो भाई जितने भी साथी हमारे भाई आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर 93 नंबर का हमारे जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साइड रूसो का, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट अंदाज में कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, अरबी था, फारसी था, उर्दू था, संस्कृत था? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। 94 नंबर का जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं भाई 94 नंबर का, उन सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, फारसी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सा के साइड चला जाएगा। अगला 95 नंबर हो जाएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो संबंधित है किससे? रामायण से है, कुरान से है, वेदों से है, बाइबिल से है? तो फटाफट अंदाज में बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट अंदाज में बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। 95 नंबर क्या हो जाएगा फटाफट से बता दो भाई, 95 नंबर, जी हाँ साथियों भाई जितने भी साथी हमारे 95 नंबर का आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे 95 नंबर का राइट आंसर, जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ब के साथ, जितने भी साथी जा रहे हैं वेदों, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? वेदों हो जाएगा उन सभी का राइट आंसर, ठीक है ना, वेदों। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 96 नंबर दिया गया है, दिया गया दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो हमारा दिया गया बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, 2017 में पूछा भी गया है, क्वेश्चन क्या बनता है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शनल जो क्वेश्चन आपकी इस तरह से आपके रटे जा चुके हैं दोस्तों। जी हाँ बहुत अच्छे भाई, ऑप्शनल जो क्वेश्चन आपकी इस तरह से रटे जा चुके हैं कि मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है ऑप्शनल का, तो ये तो कन्फर्म है कि भैया आप छोड़ने वाले तो हो नहीं, ठीक है ना, आप छोड़ने वाले हो ही नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी आपकी पकड़ हो चुकी है ऑप्शनल क्वेश्चन पे। मैं देखता हूँ यार, मैं एनालिसिस करता हूँ, लगभग जो साथी होते हैं हमारे सही आंसर देते हैं, ठीक है ना, और हो सकता तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होते हो, मैं कमेंट में देखता हूँ साथियों, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि लिखा क्या होता है, हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, लिखा क्या होता है 1853 लिखा होता है, 1835 पढ़ते हैं उसको, मतलब सामने लिखा है 1853 लेकिन 1835 पढ़ते हैं उसको, क्या होता है? ओवर प्रेशर होता है दोस्तों। क्यों ओवर प्रेशर होता है? क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियो लेना, उसके बाद इतना ज़्यादा वर्क होता है, तो वो थोड़ा सा टेंशन रहती है। अब आपको पता होगा कि यार रात में उठ के भी वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है, इतना ज़्यादा वर्क रहता है, किसके लिए? आपके लिए। तो यहाँ पर किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? फ्रॉबेल, रूसो, मॉन्टेसरी या हर्बर्ट? तो 96 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रॉबेल हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साइड। 96 का किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, फ्रॉबेल कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा पांडेचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की, 2017 में पूछा भी गया है, महात्मा गांधी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, स्वामी विवेकानंद ने, श्री अरविंद घोष ने? तो
तो जल्दी से भाई बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी साथी बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 97 नंबर, 2017 में पूछा भी गया है 97 नंबर। तो भाई 97 नंबर का जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर द अरविंद घोष, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? फ्रोबेल कहे जाते हैं। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री की स्थापना की, किस शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो वो की थी अरविंद घोष ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है 2019 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन हमारा दिया गया कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? एडम्स का है, जॉन डीवी का है, कमेनियस का है या फिर रॉस का है? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर का ऑप्शन नंबर सा, जितने भी साथी दे रहे हैं जॉन डीवी, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर हमारा हो जाएगा कि फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। जल्दी से बता दो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई, फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, 2019 में पूछा भी गया है। तो भाई जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सा के साइड जा रहे हैं, हस्तकला उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हस्तकला उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं, जो कि हमारा दिया गया है कि जनसंचार का यांत्रिक साधन है टेलीविजन है, कंप्यूटर है, टेप रिकॉर्डर उपरोक्त सभी, 2019 में पूछा भी गया। तो फटाफट अंदाज में बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनसंचार का यांत्रिक साधन है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है वो है दोस्तों, क्या है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी जनसंचार का यांत्रिक साधन सेफ टेप रिकॉर्डर भी है, कंप्यूटर भी है, टेलीविजन भी है, उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, जो कि 101 नंबर दिया गया, रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, 2019 में पूछा भी गया है। क्या हो जाएगा, किसकी समस्या है? प्रौढ़ की है, बालकों की है, बालिकाओं की है, दिव्यांगों की है? चलिए भाई फटाफट से बता दो भाई फटाफट से। तो 101 नंबर का जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बाके सड़ जा रहे हैं, बालिकाओं, ठीक है ना, बालिकाओं जो है रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता जो गंभीर समस्या है एक, ठीक है ना, वो समस्या जो है हमारी वो साथियों जो है वो बालिकाओं की है, ठीक है। अगला हम देखते हैं हम लोग यहाँ पर 102 नंबर की, परोपकार सत्यनिष्ठा क्षमाशीलता उदाहरण है, 2019 में पूछा भी गया है साथियों। क्या हो जाएगा, सामाजिक मूल्य हो जाएगा, मानव मूल्य हो जाएगा, व्यक्तिगत खूब मूल्य हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट अंदाज में बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 102 नंबर, तो भाई जितने भी साथी आंसर दे रहे हो 102 नंबर का ऑप्शन नंबर सा के साइड, ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, मानव मूल हो जाएगा, देखे ना, मानव मूल हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 103 नंबर हो जाएगा, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या है, बोध तथा विनय है, ज्ञान है, या उपरोक्त सभी है? तो फटाफट अंदाज में बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, 2019 में पूछा भी गया है। बहुत अच्छे भाई, 103 नंबर का भाई जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, यानी कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो शिक्षा शब्द का आशय होता था वो विद्या से होता था, ज्ञान से होता था, और बोध तथा विनय दोनों से होता था, ठीक है, उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा। अगला 104 नंबर, जी हाँ साथियों 104 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, 104 नंबर की, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, निर्वाण की प्राप्ति, मूल्य विकसित करना, या बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, जितने भी साथी हमारे 104 नंबर का आंसर दे रहे हैं भाई, जितने भी साथी हमारे 104 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा के साइड, जितने भी साथी जा रहे हैं महात्मा गांधी, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, इसका मैंने बता दिया 105 नंबर का बता दिया, ठीक है ना, 105 नंबर, जो कि हमको 104 नंबर का बताना है,
104 नंबर का, एक मिनट, 104 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माण की प्राप्ति, ठीक है ना, निर्माण की प्राप्ति हो जाएगा। उसके बाद 105 नंबर का भी आंसर मैंने आपको गलत बताया है, यानी कि शिक्षा में प्रयोजनवाद का जन्मदाता है, जन्मदाता है, ठीक है ना, 2019 में पूछा भी गया है। तो जल्दी बता दो फटाफट से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका साथी जो राइट आंसर हो जाएगा वो विलियम जेम्स हो जाएगा, ठीक है ना, विलियम जेम्स हो जाएगा, और इसका हमारा हो जाएगा निर्माण की प्राप्ति, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। ओके चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 106 नंबर बहुत ही जबरदस्त हमारा क्वेश्चन ये भी दिया गया है, जो कि 2019 में पूछा भी गया है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, या कथन है किसका है, महात्मा गांधी का है, गिज़ भाई बधेका का है, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जवाहरलाल नेहरू का है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 106 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, 106 नंबर का ऑप्शन नंबर बाके साइड चला जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 2019 में पूछा गया जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए भाई अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है 107 नंबर के, गिजू भाई बदेका ने बालकों को संज्ञा दी थी, 2019 में पूछा भी गया है। बालका बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, या बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, या बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। तो फटाफट अंदाज में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट अंदाज में आप सभी को बता देना है साथियों, बहुत अच्छे भाई। तो भाई 107 नंबर का हमारे जितने भी साथी 107 नंबर का आंसर दे रहे हैं भाई, जितने भी साथी हमारे, जितने भी भावी हमारे साथी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 107 नंबर भाई, 107 नंबर का हमारे जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के साइड बाल देवो भव, ठीक है ना, बाल देवो भव, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 108 नंबर हो जाएगा कि कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया, 2019 में पूछा भी गया है साथियों, मॉन्टेसरी, डॉल्टन, फ्रॉबेल, रूसो। तो फटाफट अंदाज में बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 108 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, जी बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर किसके साइड जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेसरी के साइड जा रहे हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया 110 नंबर था, आपको बताऊंगा उसके बाद जो 111 नंबर आपको दिख रहा है उसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 110 नंबर हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2019 में पूछा भी गया है, 2007 में, 2009 में, 2008 में, 2010 में, फटाफट अंदाज में बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट अंदाज में आप सभी बता दीजिए। तो 109 नंबर का जितने भी साथी हमारे 109 नंबर का आंसर दे रहे हैं, 109 नंबर का जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सात के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं 45, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना, एक मिनट, 109 नंबर के जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं 2009, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 109 2009 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, 110 नंबर के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था 2019 में पूछा भी गया है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स पर नियंत्रण, या एड्स का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो 110 नंबर का क्या हो जाएगा, तो जितने भी साथी हमारे भाई 110 नंबर का दे रहे हैं ऑप्शन नंबर द आंसर दे रहे हैं, 110 नंबर का ऑप्शन नंबर द, जी हां साथियों ऑप्शन नंबर द जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना, ऑप्शन नंबर द। अगला हमारा जो 111 नंबर दिया गया है कि वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना जो कुछ 2019 में पूछा भी गया है।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जैसा कि आपको पता है जितने क्वेश्चन आपको कराए गए इन क्वेश्चनों में से आपके जैसे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो सिर्फ आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों, ठीक है ना, जिससे मैं आकलन कर सकूंगा कि हाँ कितने साथियों ने कुछ सही आंसर दिया। लेकिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, जितने आप लोगों ने सही दिए सिर्फ उन्हीं को लिखना, ठीक है ना। तो आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं फिर से नया नेक्स्ट वीडियो के साथ।